जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे 10th बहुत अच्छा लगता था। मैं कहता था कि 10th कितना अच्छा था, और जब मैं कॉलेज में गया तो फिर मैं कह रहा था कि 12th कितना अच्छा था। और जब मैं रियल लाइफ में एंट्री किया, जब मैं कामकाज की दुनिया में एंट्री किया, तब मुझे पता चला कि कॉलेज का लाइफ कितना अच्छा। और मित्रों, में धर्मराज प्रसाद, मानवीय स्वभाव की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है कि जो बीत जाता है उसे कहता है कि बचपने के दिन भी क्या दिन थे, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो कहता है कि जवानी के दिन की भी क्या बात थी, और जब वो अपने जीवन के आखिरी दिन गिनता है, जब वो बीमार हो जाता है तो कहता है कि पहले ही कितना अच्छा था, कम से कम बूढ़ा ही था, कम से कम स्वस्थ था, बूढ़ा था तो क्या हो गया। मतलब मानवीय स्वभाव का एक सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि उसे बीता हुआ कल बहुत अच्छा लगता है, और अगर बीता हुआ कल बहुत अच्छा लगता है तो ये तो निश्चित है आज का जो हमारा समय है, ये जो बीत जाएगा, आज का पल बीत जाएगा, वो भविष्य में हमें अच्छा लगेगा। मतलब ये बात एकदम श्योर हो गई कि आज सबसे अच्छा है, आज का पल सबसे अच्छा है, और आज का समय से अच्छा कोई समय नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ताज्जुब वाली बात ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को बीता हुआ कल बहुत परेशान करता है, बीते हुए दिन को याद करके दुखी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, हर व्यक्ति नहीं। और अगर देखा जाए तो वो लोग ही ज़्यादा परेशान होते हैं जिन्होंने आज का उपयोग सही तरीके से नहीं किया, और जिन्होंने आज के पल को समझ लिया कि आज का पल ही सबसे बेहतर होता है, जितना इसको यूटिलाइज करना है कर लो, जितना आनंदित तरीके से जीना है जी लो, कल फिर नहीं आएगा, उन लोग भविष्य में दुखी नहीं होते। और अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हर आम आदमी को देख लीजिए, वो कहता है कि जवानी के दिन में हम तो ये करते थे यार। कोई आम आदमी, कोई जवान रहेगा तो बोलेगा बचपने में हम लोग कितना मौज मस्ती करते थे यार, अब वो बचपने वाली बात कहाँ रही। और एक आम आदमी में से कोई बुजुर्ग आदमी आपको ये कहते मिलेगा यार हम लोग जवान थे तो ये करते थे, अब वो कहाँ होता है यार, और उसके चेहरे पर एक मायूसी ही दिखेगी पुराने दिन को याद करते। जस्ट अगर ऐसे लोग का मैं एग्जाम्पल लूँ जो लोग अपने समय का भरपूर यूटिलाइज किया है, और उनका समय निकल भी चुका है, लेकिन वो पुराने दिन को लेकर दुखी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आज अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को इस बात का दुख कभी नहीं होगा कि अरे उनके जवानी के दिन क्या दिन थे, जवानी के दिनों में कितने सारे उन्होंने फिल्म किए। सचिन तेंदुलकर को आज इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने अपने समय में जब मैं खेलता था तो कितना बेहतर खेलता था, ये सोचकर वो खुश होगा और दूसरे लोग को अच्छे से बताएगा। मित्रों, जब कोई अपने समय को अच्छे से यूज कर लेता है ना, तो उसके मन में बस आनंद होता है कि मैंने इस समय का यूज कर लिया। लेकिन जब वही समय को जब यूज नहीं कर पाता है तब दुख होता है। मित्रों, ये मेरा वीडियो का बहुत बड़ा सार है, और निचोड़ यही है कि आज आपका जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है, सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि इस समय को भविष्य में आप बोलेंगे ये सबसे अच्छा था, ये सोचकर दुखी होंगे। आज के समय का यूटिलाइज कर लीजिए, आज के समय को जी लीजिए, आप आज भी आनंदित होंगे और इसे याद करके कल भी आनंदित होंगे। क्योंकि अगर बाद में जो होना है सो हो, अगर बाद में अगर आपके दिन खराब भी हो गए तो कम से कम ये आपके मन में रहेगा उस टाइम मैंने इस समय का यूज कर लिया। इसलिए मित्रों, अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि जो आज का समय है यही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महान है और सबसे बेहतर है, और उसका भरपूर यूज कीजिए। मित्रों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए।